सो हे गाइज, वेलकम बैक टू फ्री एरा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज। अभी हम 2 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा क्लोज हैं यहाँ पर। और जैसे कि आपको पता है कि हम अपनी वीडियो का लाइक एम रखते हैं केवल 500 का, जो कि बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो जाता है। तो अभी उसको अपग्रेड करने वाले हैं 1000 लाइक से। तो यार, जो भी वीडियो को देख रहे हो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, 1000 लाइक कंप्लीट करना है इस वीडियो पे। तो गाइज, आज की वीडियो में भी हम बात करने वाले हैं फ्री फायर इंडिया से रिलेटेड काफी सारी अपडेट के बारे में, एंड हमारी फ्री फायर कम्युनिटी से रिलेटेड भी काफी सारी अपडेट होगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो यार, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ज्ञान गेमिंग के बारे में। तो यार, ज्ञान गेमिंग अपने चैनल पर लाइव थे, जहाँ पर बंदा उनको बोलता है कि आपका नंबर लीक होने वाला है। एंड इसका यहाँ पर रिप्लाई करते हुए ज्ञान गेमिंग कुछ ये कहे। ज्ञान भाई, एक नंबर लीक, ज्ञान भाई आपका नंबर लीक होने वाला है। ओके, अच्छी बात है, चलो हो जाए लीक, कोई दिक्कत नहीं यार, हो जाएगा, लीक कर दो भाई, जिसके पास मेरा नंबर लीक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, कर दो भाई, सीधा भाई कर दो, कर दो। तो गाइज, अभी हमारी अगली अपडेट है अज्जू भाई के बारे में। तो यार, अज्जू भाई के व्हाट्सएप चैनल के ऊपर में 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए। सो उनको मैंने कांग्रेचुलेशन। यूट्यूब पे 2 लाख सब्सक्राइबर करना ही मेरे लिए इतना मुश्किल हो रखा है, लेकिन अज्जू भाई व्हाट्सएप पर भी 2 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स। यार, अभी तो सब्सक्राइब करना बनता है यार, मतलब जल्दी से सब्सक्राइब कर दो बस, अभी जल्दी से 2 लाख करने है यार। तो चलिए अब हमारी अगली अपडेट के बारे में बात लेते हैं, जो कि है देसी गेमर के बारे में। तो रिसेंटली जब देसी गेमर अपने चैनल पर लाइव थे, वहां पर उनकी लाइव चैट के ऊपर में रिलीज टॉक्सिक चैट चलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके ऊपर मैं रिप्लाई करते हुए देसी गेमर कुछ ये कहे। गाइस, चैट में ना थोड़ा लाइक पॉलिटिकल नहीं, थोड़ा सा लाइक गलत चैट चल रहा है, तब कुछ देखो ना, इसमें टाइम मेंबर्स ओनली चैट कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा चैट शांत होने दो, मैं नॉर्मल फिर से कर दूंगा। तो चैट में थोड़ा टॉक्सिक हो रहा है, लाइक धार्मिक टाइप का या फिर अलग टाइप का चैट में देख रहा हूँ। मतलब सही है धार्मिक, बट किसी और का बुरा बोलना अच्छा नहीं बचता है ना। तो कुछ देर के लिए मैंने चैट को यहाँ पर मेंबर्स ओनली किया है। तो मेंबर्स ओनली में कोई स्ट्रीम लैब को कमेंट मत देना, अगर कोई देता है तो उसको 5 मिनट का टाइम आउट दो। तो अभी हमारी अगली अपडेट है जीडब्ल्यू मनीष के बारे में। तो जीडब्ल्यू मनीष अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किए, जहाँ पर बात किए फ्री फायर इंडिया के बारे में। एंड यहाँ पर उनका भी यही कहना था कि गेम हमें 1 नवंबर को देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि जो थाला इवेंट है, महेंद्र सिंह धोनी का जो इवेंट आने वाला है फ्री फायर के अंदर में, वो 5 नवंबर से स्टार्ट होगा। एंड साथ यहाँ पर बताया कि 1 नवंबर को नया पैच अपडेट आने वाला है, यानी कि OB42 अपडेट। एंड इसीलिए फ्री फायर अपने गेम को 1 नवंबर को लॉन्च करने वाली है, ताकि जो OB अपडेट है वो साथ में ही दे सके वहाँ पर, जिससे होगा ये कि लोगों को बार बार अपडेट के लिए उसको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, एक बार में ही सब कुछ कंप्लीट होगा उनका। एंड साथ यहाँ पर बात की डीमन स्लेयर कोलैब के बारे में, जो कि 25 तारीख को खत्म होगा हमारे सर्वर के अंदर में। एंड जैसे ये इवेंट एंड होगा, उसके बाद में कुछ अनाउंसमेंट वगैरह देखने को मिल जाएगी हमें गेम से रिलेटेड, क्योंकि गेमिंग वोरा भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड किए थे, जहाँ पर वो कुछ सिमिलर ऐसी ही बात किए थे। और यहाँ तक कि गेमिंग वोरा ने तो अपनी वीडियो में ये बताया कि जो थाला इवेंट आने वाला, जो पूरा कैलेंडर आने वाला है, उसमें से 99% चीजें फ्री होने वाली है। तो यार, अब की बात सभी की बल्ले बल्ले होने वाली है, मे भी शायद करेक्टर भी यहाँ पर फ्री में मिलने वाला है, जो इमोट वगैरह होंगे वो भी फ्री में मिलेंगे। तो यार, आप इस अपडेट से कितना खुश हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। हाँ यार, गेम थोड़ा लेट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सह लेंगे यार। तो गाइज, अभी हमारी अगली अपडेट है रोकी भाई के बारे में। तो रोकी भाई अपने चैनल पर लाइव थे, जहाँ पे उनसे पूछा जाता है FFIC के बारे में कि FFIC कब होने वाला है, क्या कोई लीक है तुम्हारे पास में। तो इसके ऊपर मैं रिप्लाई करते हुए रोकी भाई कुछ ये कहे। मामू, क्या आप हमें बता सकते हो FFIC के बारे में? सॉरी ब्रो, अगर मेरे को कुछ पता भी है तो मैं यहाँ पे कोई लीक खबर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इन पार्टनर प्रोग्राम, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे कुछ पता है तो उसे मैं अपने तक ही रखूँ और उस खबर को बिल्कुल भी लीक ना करूं। और जब लाइव स्ट्रीम पर रोकी भाई से पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट IGL कौन है अभी के टाइम पर, तो इस पर रिप्लाई करते हुए रोकी भाई कुछ ये कहे। रोकी मामू, बेस्ट IGL कौन है आज की डेट का? Mamu, I am seeing you from many of the years, but comment for the first time. Thank you, aesthetic deep. भाई बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं बता दूं आपको कि आज की डेट में बेस्ट IGL वही होगा जो आज की डेट में सबसे ज़्यादा चैम्पियनशिप जीतते होंगे। तो या तो आप टीम हिंद के KD का नाम ले सकते हो, या फिर अगर आप मुझसे पूछें तो TSG के लेजेंड का नाम ले सकते हैं आप, क्योंकि बहुत अच्छे चैम्पियनशिप जीत रहे हैं। वर्ल्ड ऑफ बैटल आजकल बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा उनके जो दोनों ही कैप्टन हैं, इग्नाइट हर्ष, इनको भी। और कहीं ना कहीं यू नो ऑल टाइम फेवरेट कैप्टन बोलेंगे तो डेफिनेटली फौजी अजय, क्योंकि कोई डाउट ही नहीं है।
और यार साथ यहाँ पर रोकी भाई ये भी बताया कि 4G एजेंट पहाड़ी गेमिंग पिछले कुछ दिनों से टूर्नामेंट वगैरह नहीं खेल रहे। अभी बताया तो ये जा रहा है कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन यार मतलब सूट वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि अगर सूट होगा तो रिवील भी नहीं कर सकते ना यार। 4G अजय शायद अनअवेलेबल है कुछ दिनों के लिए, बट वो भी कुछ दिनों बाद जो है अवेलेबल हो जाएंगे। आप देख ही रहे बाकी टूर्नामेंट में 4G भाई कुछ दिख नहीं रहे, तो थोड़ा सा 4G भाई का एब्सेंस है कुछ दिनों के लिए। हमने ओरेगुटान से पहाड़ी को भी ब्रेक पे देखा था, तो कुछ ना कुछ ब्रेक लिया जा रहा है। समझ भी सकते हैं कि सबकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है, बीइंग अ कास्टर और प्राइम टाइम कास्टर हूं, तो गाइज मैं ब्रेक नहीं ले सकता, बट उम्मीद करता हूं 3-4 दिन के बाद मुझे भी सुकून मिल जाएगी और उसके बाद मैं कम से कम 2-3 दिन आराम में चला जाऊंगा। तो गाइज अभी हमारी अगली अपडेट है किलर FF के बारे में। तो किलर अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपलोड की है जहाँ पर बताया कि उनकी ट्रेनिंग बहुत ही भयंकर वाली चल रही है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं वो यहाँ पर, और जब भी उनका ई स्पोर्ट्स कम बैक होगा वो काफी ज्यादा धांसू होने वाला भी। तो गाइज मैं आपसे यहाँ पर पूछने वाला हूँ कि ऐसा कौन सा फ्री फायर प्लेयर है जिसको आप कम बैक करते देखना चाहोगे, चाहे वो ई स्पोर्ट्स में हो, नॉर्मल कॉन्टेंट क्रिएटर हो। तो जो भी आपका फेवरेट हो जिसका आप कम बैक देखना चाहते हो कमेंट में उसका नाम बता देना। बाकी यार मैं चलता हूँ, मिलता आपको अगली वीडियो में ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।